उस मीटिंग में बहुत से जो इंतजाम थे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अभी वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका दौरा जो है पीर पंजाल का एक दौरा जो है वो 14 से शुरू हो रहा है, 19 के पास जाके वो दौरा के कुछ का जो यहाँ पे मीटिंग हुई उसमें तमाम फैसला किया है कि कुछ के अंदर जो है वो पब्लिक मीटिंग यहाँ पे करेंगे। पहले जो हमारी पब्लिक मीटिंग देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ, वो बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आए, और उसके बाद जितने भी तंजीम के हमारे अहदेदारान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात, ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात, सीनियर साथी जो तंजीम के हैं, मैं उनको उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर आज की जो ये मीटिंग यहाँ पर रखी हुई थी, उस मीटिंग में बहुत से जो इंतज़ाम हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अभी वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका दौरा जो है पीर पंजाल में, एक दौरा जो है वो 14 से शुरू हो रहा है, 19 के पास जाके वो दौरा जो है आखिरी जो मकाम पे वो है वो सुंदरबनी और कालाकोट के नौशहरा के जो मीटिंग्स के बाद ख़त्म होगा। आज का पुंछ का जो यहाँ पर मीटिंग हुई उसमें तमाम साथियों ने जो फैसला किया है कि पुंछ के अंदर जो है हम वो पब्लिक मीटिंग यहाँ पे करेंगे। पहली जो हमारी पब्लिक मीटिंग हुई थी वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की मीटिंग हुई और वो मीटिंग मंडी के अंदर हुई थी। आज खास करके मैं कहना चाहूँगा 370-35 से और रियासत का दर्जा टूटने के बाद पहली बार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो पुंछ में आ रहे हैं, और जिस तरीके से आप तमाम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं, पुंछ के लोग जानते हैं कि जब से 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 ए और रियासत का दर्जा टूटने के बाद लोगों को जो परेशानियां सामना कर रहे हैं, लोगों को जो मुश्किलात सामना कर रहे हैं, वो उससे आप तमाम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज हालत वो है कि जम्मू कश्मीर का मुलाजिम जो है वो भी जार जार रो रहा है। आज जम्मू कश्मीर का जो ख़ास करके कहूँगा जो पुलिस में हो वो भी बेचारा जार जार रो रहा है, और ख़ास करके जो डेली वेजर्स परमानेंट नीड बेसिस पे जो काम करते थे वो रो रहे हैं। और दो दिन पहले जो मैंने नई इनकी पॉलिसी देखी, एमजी नरेगा में भी 50% का कट कर दिया गया है कि अब जो मजदूर है उसको भी जो 100 दिन का जो बता था उसको भी तब्दील कर दिया गया है, उसमें अलग अलग प्लानिंग की जाती है। पहले तो सरपंचिस पंचिस को कहा जाता है कि आप एक ऑटोनोमस बॉडी हो, आपको अपना प्लान बनाने का अख्तियारात है, लेकिन अब इस साल से और एक नई जो इन्होंने मुसीबत डाली है इनको कि जो प्लान ऊपर से आ रहा है, प्लान के साथ ऊपर से गाइडलाइन भी वही बना के भेज रहे हैं कि किस जगह कौन सा आप प्लान रख सकते हो। मैं समझता हूँ वो एक जमहूरी अदारे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह है। आज लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों की परेशानी हो रही है। बिजली का हाल आपने देखा, पीछे नवरात्रे रहे उसमें भी बिजली नहीं रही, उसके बाद जब रमज़ान का महीना आया उसमें बिजली नहीं रही। आज जम्मू कश्मीर के हर घर में जो है वो पानी का जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं, पानी का किराया जो मांगा जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी दुश्वारी है। इन सब मुश्किलात को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ एक उम्मीद रखती है। 370-35 ए और रियासत के लिए हम उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और अभी हाल ही में सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि वो उसकी जो हेयरिंग है छुट्टियों के बाद वो सुनेगी। मुझे हिंदुस्तान की जो अदालत है उसमें पूरा भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा भरोसा है कि वो फैसला जम्मू कश्मीर के हक में आएगा, और जो बीजेपी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहती है, जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा है, जिस तरीके से वो दबाने की कोशिश कर रही है हर एक इंसान को, मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया है हम सबको खुल के बात करनी है। मीडिया के हवाले से, सबके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि पुंछ में 14 तारीख सुबह 10 बजे जो है हमने पब्लिक मीटिंग जो पुंछ में रखी है, जो हम फौरा गार्डन में करेंगे, उसके लिए मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि वो अपने जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उन सब को छोड़ के इस जलसे में आए, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं उसका जो है
पता दिल्ली की सरकार को पता चले, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगे कि पुंछ के लोग जो है बहुत एक परेशानी में है, मुश्किलात में है, और ख़ासकर पीर पंजाल को जो कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है वो भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है। डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है उसमें रजौरी में आप देखिए क्या तहस नहस किया गया है, किस कदर जो है मुश्किलात लोगों की बढ़ाई जा रही है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चला सकती है, और ये आवाम को यहाँ से यकीन दिलाना चाहूँगा कि आपके हर मसाइल के लिए, हर मुश्किल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आगे खड़ी रहेगी और जो है आपकी बात करेगी, और जम्मू कश्मीर की जो दिक्कतें परेशानियाँ हैं उसको हम आगे लेके जाएंगे। मैं आखिर में फिर से तमाम अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ और मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए।